हमारा नया शॉपकीपर सेलर मैन सोचा थोड़ा सा यूनिक कर लेते हैं, तो ड्राई फ्रूट की माला हमने ला दी। पकड़ लीजिए, हमने फ्रेम भी देख रहे हैं आप सबको, दिखाओ जी। Hey guys, welcome back to channel. उम्मीद करते हैं कि आप सब अच्छे से होंगे और बहुत ही मजे में होंगे। सो आज का व्लॉग बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है, वो क्यों? क्योंकि आज हम शाहिद भाई और मैं एमी भाई को पिक करने जा रहे हैं एयरपोर्ट। वो आज माशाल्लाह उमरा से वापस आ रहे हैं, तो आज हम उसको शाहिद भाई और मैं पिक करने जा रहे हैं। तो मैं जस्ट घर से निकल आया हूँ इंट्राल में, तो इनकी लैंडिंग 6:15 पे होगी, यानी कि वो 6:15 पहुंचेंगे श्रीनगर। लेकिन मैं सवेरे घर से निकल आया क्योंकि कुछ सरप्राइज प्लान कर रहा है शाहिद भाई और मैंने, वो भी अपना काम कर रहा है और मैं भी निकल आया घर से अपना काम करने। जो कुछ भी मैंने करा हुआ है तो थोड़ा बहुत हम कर लेंगे। एक तो मैंने सोचा एक माला लाएंगे और एक सिकेट, और देखते हैं क्या कुछ रहता है। फिलहाल अभी मैं घर से निकल आया हूँ, तो शाहिद भाई भी अपना काम करे और मैं भी, तो फिलहाल अभी हमें त्राल में। और मैंने सोचा था कि गाड़ी की वॉशिंग करवाएंगे वॉशिंग सेंटर से, लेकिन नहीं, कल घर वालों को पता था कि मैं कल जा रहा हूँ अमित भाई को पिक करने, तो इन्होंने कल खुद ही गाड़ी साफ लिए अंदर से पूरी एकदम चकाचक यहाँ से। और हमने अब घर से ये लाया साथ, बाहर से नहीं करी थी साफ, सोचा कि अब घर से सेंटर जाना, अब खुद ही कर लेंगे बाहर से साफ। तो बाकी अभी जस्ट जल्द से निकलते, अभी जस्ट अंतराल में है, तो चलो जी अभी निकलते। ओके चलो, चलो जी वो राजीव भाई का दुकान, जल्द से अंदर जाते एंड देखते हैं माला। चलो जी, अरे शाहिद भाई शायद यही पे है ना, उनकी स्कूटी है ना। हाँ शायद यही पे, हाँ यही पे, यही पे। अचानक शाहिद भाई भी मिल गया, चलो यही पे रुको। हाँ यही पे, चलो जी। शाहिद भाई आप भी थे, क्या कर रहे हो? क्या भाई साहब, बढ़िया बस भाई, आप सुना बाजी दुआ, आप क्या कर रहे हो यहाँ पे? मेरी तरह नाच रहा हूँ फिर नाचो। बाकी बस भाई मैं माला एक दीजिए बढ़िया सी तड़की वाली माला, है आपके पास पैंसू की माला कि नहीं? यहाँ पे कुछ है ही नहीं गाइस। मैं गरीब हूँ, मैं गरीब हूँ, गरीब हूँ। हमारा नया शॉपकीपर सेलर मैन, ईमानदार लड़की है शायद भाई ने ये इनके लिए लाया है, लेकिन मेरे लिए कुछ है ही नहीं, मैं दूसरी दुकान से देख लूंगा। ओके चलो जी, चल मिलेगा। ओके भाई मिलते कितने बजे? दो बजे, दो बजे, बारह 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 हाँ बारह साढ़े बारह। ओके ओके डन, ओके डन डन। मैंने सोचा था कि मैं एमी भाई के लिए एक माला लूंगा पैंसू की माला, लेकिन बासित भाई के पास अभी है नहीं अवेलेबल। तो यहाँ पे एक आइडिया आया कि उन्हें मैं इसको एक ड्राई फ्रूट की माला दूं, तो अभी हम तो अभी वही प्लान डन हो गया। तो मैं एक ड्राई फ्रूट की माला ले रहा हूँ और वो दूसरी माला भी देखेंगे, तो स्केच भी, वो भी त्राली आ रहा है, फिर वो हमें स्केच भी त्राल से रिसीव करना है। तो अभी जल्द से निकलते हैं, तो यहाँ से निकलते हैं चलो जी, और अपना माला वगैरह दूसरे दुकान से लाते। ओके चलो जी, ओके ओके चलो जी, ये फिर मैं जल्दी से आ रहा हूँ, मैं पैसे निकाल के मैं एटीएम से आता हूँ। चलो जी, चलो जी पहले पैसे निकालते हैं। चलो जी निकाल लीजिए पैसे भी, अभी यहाँ से निकालते। ओके चलो जी, ओके सो चलो गाइस निकाल लीजिए हमने पहले से भी। फिलहाल यहाँ से निकलते, पहले हम आएंगे ड्राई फ्रूट की माला और स्केच। वो बोल रहा था कि मैं त्राल करूंगा पार्सल, लेकिन लेट हो ऊपर से अभी तक नहीं आया, 11:53 हो रहा है टाइम, तो अब क्या करें, अब आना भी चाहिए जल्दी से वरना मसला हो जाएगा। तो फिलहाल यहाँ से पहले ड्राई फ्रूट की माला लेंगे, ड्राई फ्रूट की दुकान कहाँ पे होगी आगे, पहले लेंगे माला फिर देखते हैं क्या कुछ रहता है। चलो जी यहाँ से हम लेंगे ड्राई फ्रूट की माला, ड्राई फ्रूट की माला एक चाहिए, किस लगभग फुल माल सास थाउजेंड है। ओके सो गाइस ये वाला माला हमने लाई, तो कैसे लग रही है खुद बताओ? तो सोचा था पैंसू की लेंगे, लेकिन नहीं, सोचा थोड़ा सा यूनिक कर लेते हैं, तो ड्राई फ्रूट की माला हमने ला दी। चलो बढ़िया है वैसे। ओके सो ये बोल रहा था पहले 1000 रुपीस, वो पता नहीं कौन सी माला थी, तो फिर इसके बाद ये वाली डन कर दी, तो ये भी बढ़िया है, तो फिलहाल इसमें हमने रख दी ये, फिर वही खुलाते अच्छे से। तो अभी फिलहाल से निकलते हैं, हमें भी दूसरी माला लानी है। चलो जी यहाँ से निकलते हैं, तो जी यहाँ से हम माला लेंगे एंड इसके बाद से निकलते, ठीक है? बहुत ज्यादा लेट हुआ। चलो जी यहाँ से देखते हैं, मगर असल माल सारे को जबरदस्त,
ये लकट अव इधर ग 150 मारे ज्यादा लकट यह दी तम बड़ी ले जी हमने माल अभी पकड़ बताओ जी कैसी है बढ़िया इसको छोटी वाली थी लेकिन ये से बड़ी है तो आई थिंक यही बेटर है चलो जी आराम से आराम से आराम से चलो जी हो गई जी माला भी रखो ये साइड में रखो इसमें इसमें रखो ओके सो गाइस माला भी हमने लाई ड्राई फ्रूट की माला भी हो गई सिंपल माला भी हो गई और हमें बस अब स्केच लाना है ठीक है जल्द से स्केच आता है स्केच पकड़ लेते इसके बाद फिर गाड़ी वॉश करते एंड फिर निकलते ठीक है फिल अप टाइम गाइस पहले पेट्रोल भरवाते हैं इसके बाद फिर निकलते हैं जिससे कि मैंने वो स्केच बनवाए थे बोला था कि मैं वो त्राल भेज दूंगा किसी के हाथ लेकिन उसको पॉसिबल नहीं हुआ अब हमें पहले वही जाना है स्केच लाने इसके घर फिर वहां से आना है वापस क्या पता अब कहां से क्या करें फिलहाल जी हमने पहले फ्यूल अप करा हो गया चलो जी ओके सो गाइस पकड़ लीजिए हमने फ्रेम भी देखना है आप सबको दिखाओ जी ये देखो जी जो मैंने एमी बाई के लिए फ्रेम बनवाया है जो इसने खाने कपे के साथ पिक्चर ली थी फोटो ली थी इसी का फ्रेम मैंने बनवाया है और मुझे नहीं पता इन सब चीज़ों का कैसा क्या है तो आप ही बताओ कमेंट्स में बताओ कैसा है तो आई थिंक ठीक ठाक है फिर भी तो मुझे इन सब चीज़ों का पता नहीं स्केच वगैरह का तो मैं कुछ नहीं बोल सकता आप खुद ही बताओ कमेंट्स में कैसे ओके तो फिलहाल यहाँ से निकलते इसको बस रैप करवाना है त्राल में एंड यहाँ से निकलते बहुत ज़्यादा लेट हो गया जल्द से निकलते ये पहुँच गए वापस त्राल फिलहाल वापस जाते बासित भाई की दुकान के पास क्योंकि रैप करवाना है चलो जी कैसा बताइए जबरदस्त फिर कौन सा मसला इसका रैप कर दीजिए जल्दी ओके जी यहाँ पर एमी भाई का स्केच हो रहा है रैप चलो जी चलो कंटिन्यू कंटिन्यू सर जी हो गया रैप चलो ओके सो गाइस फाइनली वी आर बैक टू आवर होम और फिलहाल इस व्लॉग को भी इधर एंड कर दे वो आप अगले व्लॉग में आप देख लेना जबकि हम एमी भाई को पिक करने जाएंगे शायद भाई और मैं तो फिलहाल इस व्लॉग को इधर एंड कर दे आई होप कि आपको व्लॉग पसंद आया होगा तो मिलते किसी दूसरे बड़े व्लॉग में तब तक के लिए बाय बाय अस्सलाम वालेकुम बाय बाय